बाइक जहाँ तक भी चढ़ी, क्योंकि अगर पासंग भी हिलता थोड़ा सा, मैं भी हिलता अपन। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Good morning from Nainital और wish you a very happy new year. चलते हैं अब ब्रेकफास्ट करेंगे. टाइम कितना हो रहा है? 10? 10:30. थोड़ा लेट उठे क्योंकि रात को लेट सोए थे. तो अपने मोहिनी यहाँ खड़ी है, सेफ, बिल्कुल सेफ मोहिनी. हमारा होटल ना एक अजीब सी गुफा में जाके है. बहुत ही अंदर, कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें. किसी को लोकेशन भी शेयर करेंगे ना, वो आ ही नहीं सकता हमारे पास. नहीं याद होता ना, उसे रास्ता ही नहीं मालूम होगा. तो और हवा बहुत अच्छी चल रही है. देखेंगे अभी घूमने के लिए, या तो गाड़ी करेंगे या तो बाइक से. यहाँ के लोकल बंदों से पूछेंगे किससे सही रहेगा. चाय पीते हैं अच्छी सी, 2-3 चाय एक साथ, और पराठे वराठे खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है. तो बस बर्फ़ और पड़ जाए आज रात को, मज़ा आ जाए, है ना. We are ready to visit Nainital. मतलब हम नैनीताल घूमने के लिए तैयार है. टाइम हो रहा है 11:30, ऑलमोस्ट 11:40 हो चुके हैं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. तो माइक मैंने अपना वाला पहले वाला लगा लिया, बिकॉज जो नया सेटअप लगाया था वो तो इससे भी ज्यादा भरभर भरभर कर रहा था. सो यहाँ पर ये 12:70 से आपको राइट होना है स्नो व्यू पॉइंट के लिए, जहाँ से हिमालय दिखाई देता है और नैनीताल लेक व्यू जहाँ से दिखाई देता है, और जहाँ बर्फ पड़ी रहती है वहाँ के लिए भी इधर से जाया जाता है. तो ये यहाँ से कट है. हमने गाड़ी वाले से पूछा था, गाड़ी वाला घुमाने के 1600 रुपए ले रहा था, बट हमने सोचा यार बाइक से जाएंगे अगर सही है, और वो भी टाइम लेता ज्यादा. अब 12 बज गए, 2 बजे तक हम घूम फिर के आ जाएंगे, और आगे हम मिलते हैं लेक व्यू पे. ऐसा लेक व्यू पॉइंट, धूप बहुत ज्यादा है, फोटो वगैरह इतने क्लियर नहीं आएंगे. तो पास पैसे में आग लगा रहा है. तो जी यहाँ आके आप देख भी सकते हैं, 6-7 पॉइंट दिखाते हैं यहाँ, कोई मिल गया कि शूटिंग वाला भी आप देख रहे हैं. तो जी बाल तो हो जाते हैं खराब, और बालों से करना क्या है, हेलमेट लगाएंगे तो बाल तो खराब होंगे यार. तो लेक व्यू पॉइंट से यहाँ से फोटो एक मारना पड़ेगा. लेक व्यू पॉइंट से तो अपना हो गया, क्योंकि मेरा तो फोटो बहुत पहले से है यहाँ पर, 3-4 और 4 बार आया हूँ यहाँ, तो मुझे तो जरूरत नहीं थी. हाँ रुकना. तो ये देखो कितनी गहराई है यहाँ पर, और हम नीचे से आ रहे हैं उधर से, और रोड दिखाई दे रहा होगा. तो रास्ता बहुत स्टीप है, और हम अब जा रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट, और जहाँ पर स्नो पड़ी हुई है, जहाँ से हिमालय दिखाई देता है, तो वहाँ जा रहे हैं. तो अभी वापस जा रहे हैं, यहाँ पूरे में जाम लगा हुआ है पीछे तक. यहाँ ऊपर जाके कोई फायदा नहीं, बर्फ भी इतनी खास नहीं पड़ी हुई ज्यादा, वो जम गई है बहुत ज्यादा. चलो अब स्नो व्यू पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ थोड़ी सी बर्फ है. हाँ जी, एटलीस्ट स्नोफॉल स्नो मिली गई, फॉल तो नहीं मिला बट स्नो मिल गई. पर यहाँ जा नहीं पाएंगे. पासिंग कैसा लगा देख के यार, बर्फ बर्फ को जिसके लिए आए थे. चलो मिली तो जी बर्फ तो मिली, पर इतनी ज़्यादा नहीं. और ये पासिंग कुछ बता रहा है, ये वाला जो पौधा है ना, ये करंट मारता अगर से छुओ तो. भाई मैं नहीं छूँगा. बर्फ पकड़ो भाई, ये ना बहुत ज़्यादा स्टीप है, यहाँ जा नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा नीचे है ये. और मैं पासंग के साथ खेलने वाला हूँ. आप क्या फोटो फोटो खींच रहे थे, क्या फोटो? तो पासंग बार बार जीत कर रहा है नीचे जाने की, पर मैं उससे मना कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा गहरा है यार ये, और बर्फ़ में फिसलाना फिर कुछ नहीं होने वाला भाई. और देखो एक पुरानी एक जीप खड़ी है यहाँ पर, बहुत ही पुरानी है. क्या नज़ारा, बिल्कुल फ्लैट है यहाँ एरिया. 360 व्यू. पासंग कुछ कहना चाहेगा, यहाँ आना सफल हुआ नहीं हुआ नैनीताल? बर्फ बर्फ मिली थोड़ी बहुत, थोड़ा थोड़ा मिला है. ऊपर जाने के लिए हमने कोशिश किया, बहुत जाम था ना. सो अब यहाँ से निकलते हैं, बाइक हमारी नीचे खड़ी है मोहिनी. तो ये उतनी हाइट पर हम आए थे ये वाली बर्फ देखने. तो अपना डिसीजन बहुत सही रहा जो हमने कार नहीं करी, क्योंकि जब बाइक से हमें इतना जाम मिल रहा है, हमें रुकना पड़ रहा है, तो गाड़ी से तो हम बहुत ज्यादा फंस जाते. तो जी टोपा इसलिए नहीं पहना, ठंड लग रही है, टोपा इसलिए पहना है कि भाई बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए. पासंग अभी कितनी चढ़ाई आई थी देखो भाई, ये देखो कितनी खतरनाक चढ़ाई है यार. बाइक हम वहीं खड़ी करके आए, वो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती नहीं, वो है देखो, मतलब मैंने कैमरा सीधा कर रखा है, ऐसे भी नहीं कर रखा, पूरा नीचे तक है. अब जा रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट पे, हिमालय व्यू पॉइंट, और 2-4 व्यू हो रहे हैं. बहुत मुश्किल से चढ़ाई यहाँ, बाइक जहाँ तक भी चढ़ी
क्योंकि अगर पासंग भी हिलता थोड़ा सा, मैं भी हिलता, अपन सुबह से पानी भी नहीं, आज ऊपर जाके पानी पियेंगे, ठीक है? और ऊपर मिलते हैं। स्नो व्यू पॉइंट पर हम आ तो गए हैं, हम देखते हैं बादल वगैरह क्लियर दिखाई दे रहे हैं या नहीं। दैट्स द पॉइंट जिसे देखने हम आते हैं। तो बस ये हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, हिमालय नहीं दिखाई दे रहा, थोड़े बादल है, क्लाउड लिए भाई, फोटो बहुत खिंचवाता है रे ये। तुम 10 फोटो में से तो एक फोटो सही खींच लेता है, और अब मैं खींचने लगा हूँ सही, मुझे 9 फोटो क्लियर करना होता है तो खींचना तो पड़ेगा ना भाई। ये सारी मोमबत्ती है, सारी मोमबत्ती है, सारी ये भी मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है, सब मोमबत्ती है। तो अपन का डिसीजन तो एकदम सही रहा भाई, हमने नहीं करी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी वाले पता है बाद में क्या करते हैं भाई, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है और वहाँ बर्फ़ भी ज़्यादा जमी हुई है और सॉफ्ट नहीं है, तो सच्चाई भी लोगों का पब्लिक को बताना पड़ेगा, पब्लिक हमें देख के आएगी नैनीताल, तो उन्हें पता रहना चाहिए ना कि यार वाकई में कैसे करना है। अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हो, अगर आप चलाने में एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ अपनी गाड़ी से आ जाना, और अगर चलाने में एक्सपर्ट नहीं हो तो कर लेना यार, कभी कभी होता है ये सीज़न में जाम वगैरह लगते हैं। बस बाकी सब बढ़िया है, पैसे ज़्यादा लेते हैं, हम जा रहे हैं अपने आंटी के पास जो हमारी बाइक को सेफली सेफ्टी के साथ ध्यान रख रही है उनका ना, अपनी अंग्रेजी इतनी होती है दिमाग में तो बहुत सारी रहती है लेकिन लफ्ज़ों में ना थोड़ी सी आ पाती है, क्योंकि आंटी से हमने बात करी थी, आंटी ने बोली यहाँ से भी आओ, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो फिर हमने सोचा यार बाइक का भी ध्यान रखेंगे आंटी और अपना काम भी हो जाएगा, आके जो यहाँ ऊपर स्नो पॉइंट पे आकर खाते वो हम यहाँ खा लेंगे, है ना। तो जाम रुके हैं अभी मैगी और चाय के लिए, वहाँ से कुछ व्यू ऐसा है पीछे मेरे और हवा चल रही है और वो टोपा है मेरे पास, अपने को कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। सो आई वॉन्ट टू सी ऑल माई फ्रेंड्स मेरे साथ, मैं सारे दोस्तों को इकट्ठा एक जगह पर ऐसी सुकून भरी वादियों में मिलना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ। पासिंग तो मोबाइल में लगा रहता है भाई पूरा दिन, मैं चाहता हूँ सारे दोस्त आएँ और गाड़ियों से तो हम आते जाते रहते हैं हर जगह पर, क्या है मैं राइडर, मैं बाइक की डायरीज का राइडर और आपका ब्लॉगर, तो मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ बैठें एक जगह पर, और अगर यहाँ पर होम स्टे होता तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि ये लोकेशन इतनी प्यारी है, यहाँ पर पूरा नैनीताल दिखाई दे रहा है, हम बिल्कुल टॉप पर हैं, बादल जस्ट हमारे साथ साथ में हैं, और बस इतना ही। तो अभी हमें नीचे केव में भी घूमना है, फिर उसके बाद लेक में, और जू का देखेंगे, टाइम बचेगा तो जू जाएंगे, पर टाइम नहीं रहा तो जू नहीं जाएंगे, पर जू भी बहुत अच्छा है। तो आप सभी को दिखाता हूँ मैं कितना खतरनाक रास्ता था, तो ये इतना स्टीप रास्ता है ना बहुत ज्यादा, इसलिए मैं वहां से गया नहीं, अब यहां से चलेंगे आराम आराम से। ये कितना स्टीप रास्ता था और मैं यहां कच्चे रास्ते पे लेके आ रहा हूं। ओह That's so awesome view, यार। तो कुछ रास्ता कुछ ऐसा था यहाँ पर, आप सभी ने देखा। चलो जी मिलते हैं आपको केव पे। तो ये केव की जगह है यहाँ पर, केव देखने के लिए 60 रुपए पर अडल्ट टिकट है और बच्चों का 25 रुपये है, और ये अगर आप काला डोंगी की तरफ से आ रहे हो तो आपको रास्ते में पड़ेगी पहले ही, राइट साइड में अगर आप हल्द्वानी से आए हैं तो आपको आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में पड़ेगी। यार एंटर इन केव, तो चलो टाइगर केव में भाई सर बचा के, ठीक है माइंड योर हेड। और केव कुछ ऐसी है, ऊपर से देखो, ये पहली बार मैं घूम रहा हूँ नैनीताल, चौथी बार आया हूँ बट इसमें पहली बार घूम रहा हूँ,
बस पासन को ना कि लोकेशन चाहिए फोटो खींचने के लिए, कहीं भी चलेगा, चलना। तो जी एक केव तो हमने कर ली पार जैसे तैसे करके, एक ये भी केव है ना, नीचे तो नहीं जाऊंगा ओ तेरी। अब दूसरी केव में जाते हैं, तो अपन को लग रहा डर इसमें घुसने के लिए। अभी क्या चलो यार एक बार लास्ट गुफा में चलते हैं। तो यार यहाँ तो पूरा झुकना पड़े। हाँ ज्यादा मोटे लोग तो यहाँ पे आते नहीं होंगे। अबे शेर की तरह आवाज कौन निकाल रहा है? घुटना टेकना पड़ रहा है, टेक ले भाई, फिर जो भी टेकना पड़ रहा है टेक ले, घुटना टेकना पड़ रहा है। तो जी इसकी गुफा है ये भाई। तो ये वाली केव कैंसिल, दो केव के बाद हमारी हिम्मत नहीं बढ़ रही कहीं जाने की। चलो जी वापस चलो। केव्स कुछ ऐसी है जो थोड़े हैवी बंदे हैं, मोटे बंदे हैं, उनके लिए केव्स नहीं बनी। कुछ कुछ हैं जो ठीक हैं, और बाकी मजा बहुत आया। केव्स प्यारी हैं और ख़तरनाक भी हैं, क्योंकि हमने बता तीन चार केव तो घूमी नहीं। चलो जी मिलते हैं अब लेक पे सीधा। सो यहाँ से टिकट मिलता है 210 रुपये का दो बंदों का, और चप्पू वाली नाव है। तो रात में यहीं रुकेंगे, सब बता रहे हैं, भाई ने बताया कि स्नोफॉल हो सकता है क्योंकि मौसम ऐसा बन रहा है। अगर बारिश हुई अभी तो अब भी स्नो गिर जाएगी, आज रात और रुकते हैं। वैसे हम रुकने वाले थे, मेरा क्या प्लान था कि हम अपने गांव जाएं, नानी के गांव। तो सोचा तो अब स्नो पड़ने वाली है तो हम क्यों जाएं, तो क्यों जाएं यार, जिसके लिए आए थे, जिसके लिए आए थे वो चीज़ मिल रही है तो यार नहीं छोड़नी, एक दिन और सही। तो भाई ने बहुत लंबी राइड कराई है हमें, तो बोटिंग राइड बहुत अच्छी कराई है, हाथ बिल्कुल जम गए हैं, फ्रीजिंग बिल्कुल फ्रीजिंग। तो राइड हुआ कंप्लीट, अपन अब उतर रहे हैं। ओ तो अपन दोबारा से माल रोड पे आए हैं, पास में कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो इसलिए माल रोड पे दोबारा आए हैं। तो यहाँ पर पासंग कुछ लिखवा रहा है अपने किसी स्पेशल वन के लिए, और यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं बैठ के। आप इतने यहाँ के टाइम लैप्स का मजा लेना। तो अभी हम आए हैं डिनर करने के लिए, खाके और फिर यहाँ से निकलेंगे, पासन जाएगा पैदल और मैं जाऊँगा बाइक लेके। मैंने बाइक पार्किंग से निकाल ली है और अब मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ, और पासंग वहीं से पैदल निकला है क्योंकि उसे खाना खाने के बाद ठंड लग रही थी, तो उसने बोला वहीं ऐसे जा रहा हूँ, तो वहाँ बाइक लेकर। नैनीताल की एक खासियत भी मान लो या एक माइनस पॉइंट भी, कि इसमें वन वे ही रास्ते हैं, अगर आप एक जगह से एक बार निकल गए तो आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, हमारा होटल है तो पास में, पर मुझे थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे से कमेंट करना, और सब्सक्राइब तो जरूर करना यार। इसी नोट पर करते हैं वीडियो क्लोज। थैंक यू मेकिंग पार्ट ऑफ द डे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, लव यू मिस्टर टेकर, खुदा हाफिज, फॉलो योर ड्रीम। बूम। अब भाई उठाना भी तो है।